कुछ दिनों पहले फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने एक प्रेस कंगना रनौत पर उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट चुराने का आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा था। कंगना ने केतन को इस नोटिस का जवाब भेजा है। स्पटबॉय में छपी खबर के अनुसार कंगना के वकील ने स्टेटमेंट में सभी बातों को क्लियर कर दिया है। स्टेटमेंट में कंगना की तरफ से कहा गया है कि केतन मेहता और मणिकर्णिका फिल्म के स्क्रीन प्ले में कोई समानता नहीं है। केतन या कोई और रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाने में स्वतंत्र है। कंगना के वकील ने केतन को अंतरिम जवाब भी भेज दिया है। इसके साथ ही कंगना ने ये भी साफ किया है कि उन्होंने केतन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं साइन किया है। आपको बता दें कि कुछ वक्त से कंगना और केतन में विवाद चल रहा है। केतन ने कंगना पर उनकी फिल्म रानी लक्ष्मीबाई बायोपिक चुराने के लिए कानूनी नोटिस भेजा था, जिसका जवाब कंगना ने अब दिया है। केतन का कहना था कि जब फिल्म की घोषणा हुई तब कंगना इस फिल्म का हिस्सा थी, इसके बाद दोनों के बीच मतभेदों के चलते वे इस फिल्म से अलग होगी। उनकी रानी लक्ष्मीबाई पर बनने वाली फिल्म मणिकर्णिका अगले साल 27 अप्रैल को रिलीज होगी। वहीं केतन की फिल्म कब रिलीज होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है।